एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। एनएसएन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स को लेकर फिर से एक बार आपके पास हाजिर हूं। तो इस हफ्ते की वीडियो की शुरुआत हम कुछ अप्रेंटिसशिप अपडेट्स के साथ करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें। सरकारी कौशल विकास परियोजनाएं, अप्रेंटिसशिप्स और समाचार, 16 नवंबर 2021। तो चलिए जानते हैं कुछ अप्रेंटिसशिप अपडेट्स के बारे में। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हैज इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर अप्रेंटिसशिप फॉर 1664 पोस्ट्स अक्रॉस वेरियस ट्रेड्स, वर्कशॉप्स एंड डिविजन्स ऑफ द एनसीआर। The posts will be filled in Agra, Jhansi and Prayagraj for the year 2021-2022. The railway recruitment cell apprenticeships position के लिए applications invite कर रहा है। ये positions Agra, Jhansi and Prayagraj में fill किए जाएंगे for the year 2021 and 2022. इसमें applications को submit करने का last date है 1st December 2021. Airport Authority of India AAI has invited applications to offer graduate and diploma apprenticeships. A total of 63 apprenticeship positions are on offer. इसमें applications को submit करने का last date है 30th November 2021. Naval Dockyard Apprentices School, Visakhapatnam, Indian Navy, inviting applications from ITI qualified Indian national candidates for apprenticeship training in the various designated trades for a period of 1 year. Naval Dockyard Apprentices School, जो कि विशाखापट्टनम में है, वो apprenticeship position के लिए applications invite कर रहा है from ITI qualified Indian national candidates. इसमें applications को submit करने का last date है 5th December 2021. IOCL यानी कि Indian Oil Corporation Limited has started the registration process for recruitment of apprentices at its locations in Bihar, West Bengal, Odisha, Assam and Jharkhand. तो IOCL ने apprenticeship positions में भर्ती करने के लिए बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, आसाम एंड झारखंड के लिए registration process खोल दिए हैं। इसमें applications को submit करने का लास्ट डेट है 4th December 2021। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ अप्रेंटिसशिप अपडेट्स। अगर इनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.nationalskillsnetwork.in पर विजिट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर अप्रेंटिसशिप, जॉब्स एंड प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड डेडिकेटेड पेजेस हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, उन्हें चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ सरकार उद्योग और एकेडमी से रिलेटेड कौशल विकास समाचार के बारे में। आईसेक ने महिला लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने करके उन्हें मजदूरी, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और एनएसडीसी के साथ भागीदारी की है। 2025 तक उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए टेलीकॉम स्किल्स बॉडी ने कहा कि भारत को 22 मिलियन कुशल जनशक्ति की आवश्यकता होगी, क्योंकि इंडिया इज कमिंग क्लोजर टू द 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। महानदी कोलफील्ड हैज साइन 2 MOUs विद द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिपेट, भुवनेश्वर, फॉर प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू द यूथ from the peripheral villages of mining areas through 2 CSR initiative, namely Udan and Sahyog. तो महानदी कोल फील्ड ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि सिपेट भुवनेश्वर के साथ 2 MOUs साइन किए हैं। तो 2 MOUs साइन किए हैं आसपास के यूथ को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए उनके 2 CSR इनिशिएटिव के अंडर, जिनका नाम है उड़ान एंड सहयोग। श्री राजीव चंद्रशेखर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, अर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स टू एस्टेब्लिश अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग ऑल एंटरप्रेन्योर्स इन द सेक्टर टू अ वाइडर मार्केट ड्यूरिंग हिज विजिट टू द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स फेयर।
तो चलिए अब जानते हैं कुछ और सरकार उद्योग अकेडमी से रिलेटेड कौशल विकास समाचारों के बारे में। कौशल और कर्मचारियों की कमी के बीच की खाई को पूरा करने के उद्देश्य से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रशिक्षुता कार्यक्रमों की तलाश में है। तो ये सेक्टर करेंटली 27 मिलियन पीपल को जॉब प्रोवाइड किया हुआ है। हैंडलूम वीवर्स के लिए अवसर पैदा करने और शिल्प में उनके कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिंथा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इम्फाल मणिपुर में एक 45 दिवसीय लंबा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। जम्मू और कश्मीर में किसानों का समर्थन करने और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से PHDCCI जम्मू और कश्मीर ने सिख भारतीय शाखा और तकनीकी प्लेटफॉर्म कंपनी इनोतेरा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। CICU ने अपने कौशल विकास केंद्र लुधियाना में PMKVY 3.0 के तहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को नए सिरे से शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। कौशल विकास प्रशिक्षण अल्पकालीन और फ्लेक्सिबल आवर के पाठ्यक्रम दोनों में उपलब्ध है। कर्नाटक का पहला NEP सम्मेलन बेंगलुरु में उच्च शिक्षा के भविष्य की रणनीति के विषय के साथ आयोजित किया गया था। इसका आयोजन कर्नाटक सरकार की उच्च शिक्षा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से किया गया था। श्री राजीव चंद्रशेखर राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता ने राज्य में कौशल और प्रौद्योगिकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय यात्रा पर केरल का दौरा किया। तो ये थे इस हफ्ते के स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स। इनके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.nationalskillsnetwork.in पर विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो से रिलेटेड सारे लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, उन्हें चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहिएगा।